हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे देने वाला हूँ, जो कि जस्ट एक दो घंटा पहले ही यहाँ पे अपडेट हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे यहाँ पे पूछ रहे थे कि वो लोग कतर में वर्क वीज़ा लेके आए हैं, मगर फुल्ली वैक्सीनेटेड होके आने के बाद भी उन लोगों को 2 दिन के मैकेनिस क्वारंटाइन में जगह में उन लोगों को 7 दिन का मैकेनिस क्वारंटाइन यहाँ पे करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि उन लोगों को उसका एम्प्लॉयर बोल रहा है कि अभी 2 दिन का मैकेनिस क्वारंटाइन अभी अवेलेबल नहीं है, ये क्या सही है? तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, और अभी जो अपडेट आया है वो भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, वो दिखा दूंगा मैं आप लोगों को क्या आया है नहीं आया है। तो काइंडली वीडियो का अंत तक बने रहे। वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प होता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए, और ऐसे ही अपडेट कतर के बारे में डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलोगे। तो चलिए शुरू। पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि एज पर कतर गवर्नमेंट रूल, अगर आप लोग MOPH अप्रूव वैक्सीन अपना कंट्री से भी अगर यहाँ पे कतर में लेके आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को 2 दिन का होटल या तो फिर मैकेनिस क्वारंटाइन करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे मैकेनिस क्वारंटाइन यहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो क्या आप लोग का एम्प्लॉयर आप लोगों से झूठ बोल रहा था या तो फिर आप लोग का एजेंट के आप लोगों से झूठ बोल रहा था? तो जी नहीं, ये सही था कि 2 दिन का मैकेनिस बुकिंग यहाँ पे नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं अभी जस्ट 2 घंटा पहले यहाँ पे टाइम भी आप लोग देख सकते हैं कि आज का डेट में 14:50 पर, मतलब 2:50 पे दोपहर को मैं यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा था और यहाँ पे ऊपर में क्रॉस साइन भी आ रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे फोन भी किया था, तो वहाँ पे मुझको बताया गया कि अभी 2 दिन का मैकेनिस क्वारंटाइन अभी अवेलेबल नहीं है। जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड होकर आ रहे हैं उन लोगों का पास एक ही ऑप्शन है, उन लोगों को 2 दिन का होटल क्वारंटाइन यहाँ पे करना पड़ेगा। मगर सभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि 2 दिन के लिए यहाँ पे 1000 क्रिटेरियल यहाँ पे खर्चा कर दे, तो ये एक बहुत ही टेंशन वाला बात था। मगर अभी जब शाम को मैं वीडियो बनाने के लिए आ रहा था, उस टाइम मैं और एक बार यहाँ पे चेक करके देखा कि अभी यहाँ पे मैकेनिस क्वारंटाइन में फिर से 2 दिन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। अभी मैं यहाँ पे उसके बाद डिस्कवर कतर में फ़ोन भी लगाया, और वहाँ पे मुझे बताया गया कि अभी जस्ट ये साइट में अपडेट हुआ है, ये अवेलेबल नहीं था। मगर अभी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जितने सारे लोग वर्क वीज़ा लेके अभी कतर में आ रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो या तो फिर कंपनी वर्कर्स हो, अगर आप लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड होकर कतर में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग को 2 दिन का मैकेनिस क्वारंटाइन का ऑप्शन यहाँ पे फिर से खोल दिया गया है। ओके, अभी चलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट साइट में ले जाकर दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग चेक करते हैं और कौन सा डेट से ये मैकेनिस अभी अवेलेबल है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे शायद आप लोगों को पता होगा कि कैसे डिस्कवर कतर साइट में जाके यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे गूगल में डिस्कवर कतर लिख के यहाँ पे आप लोग जब साइट को ओपन कीजिएगा, उसके बाद नीचे आके आप लोग देख सकते हैं कि 2 दिन का मैकेनिस क्वारंटाइन यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और उसी के नीचे बुक नाउ में आप लोग क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे बुक नाउ में क्लिक करने के बाद आप लोग के पास एक इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे पहले मैकेनिस नॉट अवेलेबल, 2 डेज मैकेनिस नॉट अवेलेबल ये शो कर रहा था, मगर अभी यहाँ पे आप लोग कैलेंडर यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे 15th December से मैकेनिस अवेलेबल है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, मगर यहाँ पे आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि रेड कलर में लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 इयर्स का ऊपर का आदमी के लिए ही यहाँ पे ये एकोमोडेशन आप लोग बुक कर सकते हैं। और जो लोग अपना कंट्री से MOPH अप्रूव वैक्सीन का दोनों डोज लेके कतर में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे 2 दिन का मैकेनिस यहाँ पे बुक कर सकते हैं। मगर यहाँ पे एग्जम्पशन है साउथ अफ्रीका का, वो 7 कंट्री आप लोग नीचे देख सकते हैं। यहाँ से अगर कोई भी रेसिडेंट कतर अप्रूव वैक्सीन का दोनों डोज लेके भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो भी इस सूरत में उन लोग 7 दिन का होटल या तो फिर मैकेनिस क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ओके, अभी चलिए मैं आप लोगों को बुक नाउ करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे होटल अवेलेबिलिटी कब से है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इमेज यहाँ पे शेयर नहीं किया गया है, मगर यहाँ पे 506, यहाँ पे 506 कैथीडियल में पर पर्सन 2 दिन का मैकेनिस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, और यहीं पे सिलेक्ट करने से आप लोग बुकिंग ऑप्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी शायद आप लोग देख लिए कि अगर आप लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इन सारे कंट्री से अगर आप लोग कतर में आना चाहते हैं, और अगर आप लोग कतर MOPH अप्रूव वैक्सीन से फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो यहाँ पे आप लोग ओनली 506 मतलब 506 कैथीडियल दे के आप लोग 2 दिन का मैकेनिस यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो इससे आप लोग का टाइम और पैसा अभी यहाँ पे दोनों ही और भी ज्यादा यहाँ पे सेव होने वाला है। ओके, तो यही जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जस्ट अभी 2 घंटा पहले कतर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे अपडेट किया गया है, जो कि मैं आप लोग के यहाँ पे शेयर कर दिया। तो वीडियो से अगर आप लोग का कुछ भी हेल्प होता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए, और उन सारे लोगों के साथ ये शेयर कीजिए जो लोग अभी कतर में आना चाहते हैं, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।